पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत पूरे विश्व में धार्मिक एकता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मिलता है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जहां हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या के पर्व पर पितरों की शांति के लिए गंगा में तर्पण करते हैं, ताकि उनके पितरों हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शांति मिल सके। यहां मुस्लिम लोगों का एक दल कुछ हिंदू लोगों के साथ मिलकर लावारिश 191 हिंदू लाशों का अंतिम संस्कार तो करता ही है, साथ ही साथ आज के दिन उन अस्थियों को गंगा में तर्पण भी करते हैं और शांति देने की कोशिश करते हैं। हिंदू मुसलमान लोगों का एक दल जहां लावारिश लाशों का संस्कार करता है, वहीं उनका और ऐसी लाशों का जिनका उनके परिजन जलाकर छोड़ जाते हैं, उनका ये लोग आज के दिन पितृ विसर्जन करते हैं और अमावस्या के दिन गंगा में पिछले एक साल से उनके द्वारा छोटे छोटे घड़ों में इकट्ठी की गई उन अस्थियों को विसर्जन कर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करते हैं। इन सभी संस्कारों में हिंदू धर्म से ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग शिरकत करते हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से निकले तो अपनी जेब के अंदर कोई एक ऐसी आईडी हो जिससे उसका ये पता चल सके कोई हादसा होने पर कि ये बंदा कहाँ का है, कौन है, किस जगह का रहने वाला है, उससे उसकी बॉडी उसके घर तक पहुँच जाए। कुछ परिवार ऐसे हैं जो हम अब तक 5,043 बॉडियाँ अब तक हम अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हम भी ये सोच के बड़ा अफसोस करते हैं कि ये लोग बेचारे किस घर से होंगे, कहाँ के होंगे, जो इनके परिवार के लोगों को आज तक यही नहीं मालूम होगा कि ये जिंदा हैं या मर गए। बहुत सारे लोग आते भी हैं क्या आपके पास तलाश करते हुए अपनों की? आते हैं, अब तक हमने ये देखा है कि 50 से 60 लोग आए होंगे, जो ऐसे लोग हैं जिनको पता चला, जो ढूंढते फिरते बेचारे आ जाते हैं, तो उनको जो है उनका हम बता देते हैं कि भाई आपकी जो है इस दिन इनका अंतिम संस्कार करा गया है या इनको इस दिन दफन करा गया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आइडेंटिटी ना होना सबसे बड़ी मुश्किल होती है जब कोई बॉडी मिलती है, क्योंकि उसके पास कोई पहचान का कोई जरिया नहीं होता? जी जी, सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा जो है परेशानी यही होती है जब उसकी जब शनाख्त की नहीं है, पुलिस उसको उठाती है तो उसके अंदर जब कोई आईडी नहीं होती है तो उसको एक लवारिश के रूप में सौंप दिया जाता है। ये सन 2001 से ही संस्था हमने चालू करी थी, 18 वर्ष हो गए इसको और 5,043 बॉडी आज तक कर चुके हैं, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों। इस बार इस साल कितने 100 मिले हैं? इस साल 191 तो है हिंदू और 79 जो है 79 जो है वो मोमडन है। तो किस तरह से इनका अंतिम संस्कार करते हैं? हिंदू हिंदू बॉडियों को हिंदू रीति से किया जाता और मुस्लिम बॉडियों को दफन करके उनकी नमाज पढ़ा के पूरा काम किया जाता। आज पितृ अमावस्या है, पितृ अमावस्या के दिन हम हर साल जितनी भी अस्थियाँ होती हैं उनको एक साथ लेके गंगा जी में प्रवाहित करने जाते हैं। देखो ऐसा है कि हमें तो पुलिस द्वारा ही बॉडी सुपुर्द होती हैं और जब पुलिस की हमारे पास पहुँच हो जाती है तो हम उनको उनके धर्मानुसार उनका क्रियाक्रम करके उनको रसीद दे देते हैं पुलिस वालों को, हमारा काम यहीं तक खत्म हो जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों के घरों वालों को पता ही नहीं होता होगा कि बहुत मुश्किल से आज तक ज़्यादा आए होंगे तो 50 लोग आए होंगे जिनके घर वालों को पता चल गया। दूसरी बात यह है, अगर पता भी चल जाता तो लोग आए क्यों? उन्हें मालूम है कि इस संस्था ने हमारा कार्य बहुत बढ़िया करके कर दिया और किसी कोई कमी नहीं रखी और अस्थियाँ भी हमने पिछले वर्ष भी करीब 40 अस्थियाँ ऐसी थी जो लोग छोड़ गए थे अपने घरों के।